गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मनीष। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश ग्रामर फॉर क्लास 8 एंड टुडे माय टॉपिक इज नाउंस। तो आज जो हमारा टॉपिक है नाउंस है और इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके पहले भी आप लोगों ने 7 स्टैंडर्ड में, 6 में, 5 में, 4 में, 3 में नाउंस के बारे में पढ़ा है, ठीक है। आज इस स्टैंडर्ड पे, इस लेवल पे क्या सीखना है आपको, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो कह रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे, डू यू रिमेम्बर, कि क्या आपको पता है, याद है टाइप्स ऑफ नाउंस के बारे में कह रहा है कि नाउंस कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। नाउंस कैन बी ग्रुप्ड इन डिफरेंट वेज, सही बात है। नाउन को क्या किया गया है, अलग अलग तरीक़ों से उसको ग्रुप में बांटा गया है। जैसे पहला तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कॉमन नाउंस और प्रॉपर नाउंस के बारे में बता रहा है। तो कॉमन नाउन क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं। कॉमन नाउंस आर द नेम्स ऑफ द पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडियाज़, ठीक है। ये कह रहा है कॉमन नाउन जो होता है वो पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, कोई चीज़ें हो सकती है, या फिर कोई आइडिया हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा जो हम देखेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में, तो प्रॉपर नाउन गिव्स पर्टिकुलर नेम्स ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। अब कह रहा है प्रॉपर नाउन जो होता है वो पर्टिकुलर नेम्स ऑफ पर्सन, यानी कोई निश्चित आदमी है, ठीक है, कोई निश्चित जगह है या कोई निश्चित चीज़ें हैं, उसे हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल पे आपको मैं कॉमन नाउन का बता दूँ, ठीक है। तो कॉमन नाउन में बुक दिया है, यहाँ पे स्ट्रीट दिया हुआ है, कार दिया है, मंथ दिया है, मैगजीन। तो ये कॉमन इस वजह से है तक ये पर्टिकुलर नहीं लग रहा है। बुक तो कोई सा भी बुक हो सकता है, स्टेट कोई सा भी स्टेट हो सकता है, कार कोई सी भी कार हो सकती है, मंथ कोई सा भी मंथ हो सकता है, मैगजीन। तो यहाँ पे ये कॉमन हो गया। अब वहीं पे आप प्रॉपर नाउन में देखेंगे तो बुक हैरी पॉटर आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी, इसके ऊपर एक बुक भी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश एक जगह का नाम है, स्टेट है वो, ठीक है। मारुति कार आती है, मारुति देख सकते हैं। ये प्रॉपर नाउन है जो पर्टिकुलर नाम आ जाता है जिसका, ठीक है। अब एक चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ पे जो कॉमन नाउन होता है ना, उसको हम लोग कभी भी याद रखेंगे, उसको कैपिटल लेटर में नहीं लिखेंगे, ठीक है। हाँ, जब भी वो अगर सेंटेंस के शुरू में आएगा तब तो लिखेंगे, लेकिन बीच में कहीं भी आ जाता है तो वहाँ पर हम कैपिटल लेटर में नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर प्रॉपर नाउन आए, बीच में आए, शुरू में तो आज तो लिखना ही है, लेकिन बीच में आ गया, कहीं भी आ जाता है सेंटेंस में, तो उसको कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। ये मैंने बार बार आप लोग, और ये आप लोग बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं कि मतलब प्रॉपर नाउन को अगर सेंटेंस के बीच में है तो आप लोग स्मॉल में लिख देते हैं, मैंने कितनी बार बोला भी है। तो ये गलती आप लोग नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कलेक्टिव नाउंस के बारे में। कलेक्टिव नाउंस आर द नेम्स ऑफ द ग्रुप्स ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स दैट एक्ट टुगेदर, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है पीपल, बैंड, क्लास, टीम, ग्रुप। ये कह रहा है कि एक समूह होता है, ठीक है, एक समूह होता है जिसको कलेक्टिव नाउन बोला जाता है। कलेक्शन से ही कलेक्टिव बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे कलेक्टिव में आप बोल सकते हैं अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, ठीक है, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, अ टीम ऑफ प्लेयर, ठीक है, अ क्राउड ऑफ पीपल, ऐसे होता है ना। तो यहाँ पे आप देखें तो वो पूरे समूह में सारे जो जितने भी ग्रुप्स के होते हैं उन सब के यहाँ पे एक पर्टिकुलर ग्रुप दे दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउंस आर द नेम्स ऑफ आइडियाज़, क्वालिटीज़ और फीलिंग्स दैट कैन बी सीन और टच्ड। अब ये कह रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, क्वालिटीज़ हो सकता है किसी के अंदर, जो गुण हम लोग बोलते हैं वो हो सकता है, ठीक है, आइडियाज़ हो सकते हैं कुछ, ठीक है, विचार जिसे हम लोग बोलते हैं, फीलिंग्स हो सकता है जिसे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, छू सकते, दैट कांट बी सीन, यानी उसको अब फीलिंग को देख सकते हैं क्या, महसूस कर सकते हैं, जिसको देखा नहीं जा सकता है, टच नहीं किया जा सकता है, ये ध्यान में रखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है, अब क्वालिटी दिख सकती है क्या, फील किया जाता है कि सामने वाला अच्छा लड़का है, वो कैसे पता चलेगा, कुछ अच्छा काम करेगा तब तो उसको क्या देख छू सकते हैं क्या, इसे ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। आइडियाज़ जो होते हैं उसको समझा जाता है, महसूस किया जाता है, तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है इट कांट बी सीन और टच,
ठीक है, नहीं देखा जा सकता है, नहीं छुआ जा सकता है। अब फीचर्स ऑफ नाउन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा जेंडर के बारे में कह रहा है। जेंडर आप लोगों ने पढ़ा होगा, जेंडर टेल यू वेदर अ नाउन इज रेफरिंग टू अ मेल और फीमेल और अ थिंग। कह रहा है जेंडर जो होता है रेफर करता है मेल को करता है, फीमेल को करता है। हम लोग मैस्कुलिन और फेमिनिन पढ़े हैं, न्यूट्रल जेंडर पढ़े हैं, वैसा है ये भी, और कोई चीज़ भी हो सकता है वो, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे अ नाउन इज अ मैस्कुलिन इट रेफर्स टू अ मेल एंड फेमिनिन इट रेफर्स टू अ फीमेल। जो मेल होता है उसको मैस्कुलिन बोला जाता है और जो फीमेल होती है उसको फेमिनिन बोला जाता है। ऑल अदर नाउन्स आर न्यूटर, और उसके अलावा जितने भी नाउन्स होते हैं वो क्या होता है, न्यूटर जेंडर उसको बोलते हैं बाबू। वर्ड्स दैट रीनेम नाउन शोज जेंडर, ठीक है। अब उसका कोई आप रीनेम करते हैं, ठीक है, फिर से उसको कोई नाम देते हैं तो वो जेंडर शो करता है। अगर मान लो कि आप लोग किसी एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो वहाँ पे आपका जेंडर पूछता है ना, सेक्स पूछता है कि आप कौन से, मतलब मेल हैं फीमेल हैं, ऐसा लिखने को आता है ना उधर, तो वो जेंडर शो करता है वहाँ पे, ठीक है। अब आगे देखेंगे कि इसके बारे में जानेंगे। अब देखेंगे नंबर के बारे में, ठीक है, नंबर के बारे में जाने। नंबर का मतलब पहले डिजिट, संख्या के बारे में हम जानेंगे इसके बारे में, ठीक है। नंबर टेल्स यू हाउ मेनी पर्सन और थिंग्स आर देयर, संख्या हमें बताता है कि कितनी चीज़ें हैं या कितने लोग हैं, ठीक है। अ नाउन इज अ सिंगुलर इफ इट नेम्स वन आइटम एंड प्लूरल इफ इट नेम्स मोर देन वन, सही बात है। अगर एक चीज़ है तो उसको हम लोग सिंगुलर बोलते हैं, अगर एक से ज़्यादा है उसको प्लूरल बोलते हैं हम लोग, ठीक है। मोस्ट नाउन कैन चेंज देयर फॉर्म इन प्लूरल, प्लूरल में हम लोग चेंज करते हैं। बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जब भी उसका फॉर्म चेंज होता है, एक से ज़्यादा होता है तो प्लूरल बन जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे द सिंगर हैज़ अ टेरिफिक वॉइस, ये सिंगुलर नाउन है, यानी किसी पर्टिकुलर, मतलब एक ही मतलब सिंगर के बारे में बात कर रहा है। वही यहाँ पे सेकंड सेंटेंस देखेंगे द सिंगर्स हैज टेरिफिक वॉइसेस, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एक सिंगर के बारे में नहीं बोल रहा है, मोर देन वन, ठीक है, और उनकी जो आवाज़ है, ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके की, बहुत ही टेरिफिक है, ठीक है। सम सिंगुलर नाउन्स एंड्स इन एस एंड हैव नो प्लूरल फॉर्म, सही बात है कि हम लोग जो यहाँ पे यूज़ करते हैं सिंगुलर के बारे में, ठीक है, लास्ट में तो एस लगा रहता है लेकिन वो सिंगुलर का फॉर्म देता है। कैसे, यहाँ पे देख सकते हैं न्यूज़ वगैरह होता है, न्यूज़ जो हम देखते हैं वो तो सिंगुलर ही होता है। मैथमेटिक्स हम लोग लिखते हैं, मैथ्स लिखते हैं, उसके लास्ट में एस आता है तो वो प्लूरल नहीं होता, वो सिंगुलर ही रहता है। फिजिक्स, इकोनॉमिक, मीजल्स जो बीमारी का नाम होता है, मीजल्स, खसरा जिसको बोलते हैं, तो ये चीज़ आप लोग नोटिस करेंगे, ठीक है। सम नाउन्स हैव ओनली प्लूरल फॉर्म्स, सही बात है, कुछ ऐसे नाउन्स है जिसका सिर्फ प्लूरल ही फॉर्म आता है। जैसे यहाँ पे जीन्स दिया हुआ है, अब जीन्स जो आता है एक पजामे का तो आएगा नहीं, ऐसा थोड़ी होता है एक पजामे का जीन्स रहता है, दोनों पजामे का जीन्स रहता है। इसके बाद आपका सीज़र आ गया, सीजर्स कैंची जिसको बोलते हैं, पैंट्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, ठीक है, थैंक्स है, ठीक है। तो ये सारा क्या है, ये प्लूरल फॉर्म में ही रहता है कभी भी, तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। आगे देखता हूँ, फॉर अ कंपाउंड नाउन रिटेन एज अ वन वर्ड मेक द लास्ट प्लूरल पार्ट प्लूरल, ठीक है। अब ये देखिएगा कुछ कंपाउंड नाउन होता है, जैसे न्यूज़पेपर्स है, बुक शेल्फ्स है, ठीक है, जहाँ पे किताबें रखी जाती हैं, ठीक है, ग्रैंड चिल्ड्रन है, पोते पोतियाँ, ठीक है, तो ये सारा, ठीक है, जो कंपाउंड नाउन में आता है वो प्लूरल फॉर्म में ही रहता है, ये ध्यान में रखेंगे। इसके बाद आता है सम नाउन्स डू नॉट चेंज फॉर्म्स इन प्लूरल, अब आप देखिएगा किसी किसी का ना सिंगुलर में भी वही है, प्लूरल में भी वही है। जैसे कुछ है शिप है, शिप का शिप होता है, डियर का डियर होता है, फिश का फिश ही हम लोग बोलते हैं, फर्नीचर का फर्नीचर ही होता है। तो ये आपको एज अ नॉलेज के लिए आपको ध्यान में रखना होगा कि कुछ चीज़ें जो है प्लूरल फॉर्म में नहीं चेंज होती है, जैसे सिंगुलर है उसका वैसे ही प्लूरल होता है, ठीक है। तो आगे हम यहाँ पे देख लेते हैं अंडरस्टैंड क्या कह रहा है। दिस डेज कुकिंग इज मोर ऑफ साइंस, ठीक है, सही बात है। आजकल जो कुकिंग जो हम लोग करते हैं, ठीक है, एक तरह का ये साइंस हो गया है, विज्ञान हो गया है। देखेंगे बहुत सारे शेफ
मतलब टेक्निक यूज़ करते हैं अच्छा खाना बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे दूसरा सेंटेंस है, वर्ल्ड फेमस शेफ्स इंक्रीजिंगली यूज साइंटिफिक मेथड्स टू क्रिएट इमेजिनेटिव न्यू डिशेस। सही बात है, वही बात बताया मैंने कि हर तरह की क्रिएटिविटी दिखाते हैं वो लोग अपने डिशेस में, मतलब मोर देन मिलियन डिशेस हैं अभी तक, ठीक है। तो वो लोग नई नई चीज़ें करते रहते हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं लेट्स लर्न में यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा काउंटेबल नाउंस। पहले देखेंगे काउंटेबल नाउंस के बारे में कह रहा है। काउंटेबल नाउंस रेफर टू पीपल प्लेसेस और थिंग्स विच कैन काउंट, ठीक है। ये कह रहा है कि काउंटेबल नाउन जो होता है पर्सन को बिलोंग करता है, प्लेसेस को करता है जिसे हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, उसे काउंटेबल नाउन कहा जाता है। वी एड एस टू मेक द प्लूरल ऑफ मेनी काउंटेबल नाउन डेज, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि जब हम काउंटेबल नाउन को और जब भी उसका प्लूरल बनाते हैं तो उसमें एस ये ऐड करते हैं, ठीक है। प्लूरल बनाने के लिए एस यूज़ किया जाता है। वी एड ई एस इफ द नाउन एंड्स इन डबल एस सी एच एस एच और एक्स। अब ये कह रहा है कि हम कहाँ ई एस यूज़ करेंगे, जहाँ पे डबल एस हो सी एच हो एस एच हो एक्स हो वहाँ पे ई एस का यूज़ किया जाता है। रिप्लेस वाई विद आई ई एस, ठीक है, इफ़ द वर्ड एंड इन कॉन्सोनेंट वाई, ठीक है। अब कॉन्सोनेंट वाई अगर किसी वर्ड में लास्ट में आता है तो उसको वाई को हटा के हम लोग आई ई एस का यूज़ करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़। अब कुछ यहाँ पे एक्सेप्शन भी बोला जाता है बाबू, जैसे टॉय है तो टॉय को आप वहाँ पे वाई हटा के आई एस नहीं लिखना, टॉय का टी ओ वाई एस प्लूरल होगा। कुछ ऐसे एक्सेप्शन है, ज़्यादा वर्ड नहीं है कुछ, वो आप पढ़ते पढ़ते आपको नॉलेज होगा इसका, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि सम काउंटेबल नाउंस हैव अनयूजुअल प्लूरल्स। सही बात है, कुछ ऐसे भी है जहाँ पे हम लोग एफ़ यूज़ करते हैं, एफ ई, उसकी जगह हम लोग वी ई एस का, जैसे वाइफ हो गया, हाफ हो गया, ठीक है, लोफ हो गया, ये सब क्या है वहाँ पे एफ ई सिंगुलर में रहता है, जब भी उसको प्लूरल फॉर्म चेंज करते हैं तो वी ई एस यूज़ कर देते हैं। इसके बाद ओ है तो ओ को हटाए, पोटैटो है उसमें ओ ई एस यूज़ किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे, ये रूल्स हैं। आई एस को ई एस में चेंज किया जाता है, क्राइसिस, ठीक है, क्राइसिस है तो क्राइसिस बोलते हैं, एनालिसिस है एनालिसिस बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। यू एस को आई में चेंज किया जाए, कैक्टस है कैक्टी बोला जाता है, न्यूक्लियस होता है न्यूक्ली बोला जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। ऐसे ही नीचे आप देखेंगे डबल ओ है, डबल ई में चेंज किया जाता है, फुट टूट गूज गीज वूमन वीमेन मैन मैन, ये याद रखिएगा। सम नाउन्स एंडिंग इन ओ एड एस नॉट ई एस टू मेक प्लूरल, ठीक है। देखिए कुछ नाउन ऐसे हैं जिसके लास्ट में ओ लगा रहता है लेकिन उसमें हम ई एस नहीं यूज़ करते हैं, सिंपल सा एस, जैसे पियानो रेडियो, ठीक है, स्टूडियो, वहाँ पे सिंपली एस से काम चलता है। तो ये मतलब आप समझ के चलेगा, ये एक्सेप्शन ही बता रहा है, नहीं तो ज़्यादातर ये आपके माइंड में होना चाहिए जब भी आपको ऐसा चीज़ मिलेगा, और यही चीज़ें ज़्यादातर पूछी जाती हैं, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। कलेक्टिव नाउंस के बारे में देखेंगे, वी डिस्क्राइब मेनी कलेक्शंस ऑफ काउंटेबल नाउंस विद अ ए प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लूरल नाउन, अ हर्ड ऑफ काउज, अ फ्लॉक ऑफ शिप, अ बंच ऑफ फ्लावर्स। वही कह रहा है कलेक्टिव नाउन जो होता है पूरे समूह को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, जैसे अ बंच ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, ठीक है। देखिएगा अब बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स लिखा है, अब बार ऑफ चॉकलेट भी होता है बाबू, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। अ पैक ऑफ कार्ड्स, अ क्राउड ऑफ पीपल, ये क्या है मतलब पूरी जाति को ये रिप्रेजेंट करता है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। सम नाउन्स विच रेफर टू अ ग्रुप्स ऑफ पीपल कैन यूज सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म, एग्जांपल टीम, गवर्नमेंट, आर्मी, क्लास, कम्युनिटी। लेकिन कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके नाम से ही पूरा वो मतलब उस ग्रुप का पता चलता है, जैसे कमेटी होता है तो कमेटी में एक लोग तो रहेंगे नहीं, बहुत सारी चीज़ों को मिला के कमेटी बनता है, या ऑलरेडी कलेक्टिव कहीं काम करते हैं, गवर्नमेंट है सरकार है तो उसमें बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, तो ये मतलब पूरे ग्रुप को ही लेके चलता है, ठीक है। टीम हुआ, टीम का भी मतलब वही होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा लोग रहते हैं जो खेलने वाले होंगे, ठीक है, उसको बोला जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। अनकाउंटेबल नाउन रेफर्स टू अ विच थिंग वी कांट काउंट। सही बात है, अनकाउंटेबल नाउन का मतलब है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद कह रहा है दे डोंट हैव अ प्लूरल फॉर्म एडवाइस न्यूज़ पॉलिटिक्स मैथमेटिक्स म्यूजिक्स इकोनॉमिक्स। तो ये कह रहा है कि जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, याद रखिएगा। अब शुगर का प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं क्या? वो नहीं होता है, ठीक है। प्लूरल नाउन्स अ फ्यू प्लूरल नाउन्स नॉर्मली हैव नो सिंगुलर फॉर्म्स एग्जाम्पल क्लोथ स्टेयर्स कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक्स आउटस्कर्ट्स रिमेन बिलोंगिंग्स। कुछ ऐसे प्लूरल नाउन्स है जिसका सिंगुलर होता ही नहीं, जैसे स्टेयर्स है तो सीढ़ी एक तो होती नहीं है, स्टेयर केस होता है, 20-25 ऐसी सीढ़ियाँ होती है, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन बधाइयाँ देते हैं तो उसमें थोड़ी है कि कंजूसी कर रहे हैं, जिसको बधाई देते हैं उसके थोड़ा सा थोड़ी देंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोलते हैं। तो कुछ ऐसे प्लूरल नाउन्स हैं, ये आप लोग जितने भी वर्ड्स यहाँ पे दिए हैं ना आप दिमाग में आप अपने रखेंगे, ठीक है। यूनिट नाउन्स, ठीक है। वी यूज नाउन विथ अनकाउंटेबल नाउन्स व्हेन वी वांट टू रेफर टू काउंटेबल यूनिट्स। अब यहाँ पे कह रहा है कि कुछ ऐसे यूनिट वैसे ही कलेक्टिव नाउन जैसा रहता है लेकिन ये अनकाउंटेबल नाउन में यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कलेक्टिव नाउन जो है यहाँ पे आप इस सारी चीज़ों को काउंट कर सकते हैं लेकिन अनकाउंटेबल में भी यूनिट नाउन्स आता है। अब यहाँ पे देखेंगे पीस ऑफ केक, ठीक है, तो ये अनकाउंटेबल है। केक क्या है? अनकाउंटेबल है। तो उसको जब ऐसे हम बनाएंगे यूनिट में तो पीस ऑफ केक, अ पीस ऑफ फूड, अ पीस ऑफ एडवाइस, ठीक है। यहाँ पे अ कप ऑफ टी, अ ग्लास ऑफ मिल्क, ये सारे क्या हैं? अनकाउंटेबल हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे आप लोग। इसके बाद आते हैं जो नाउन्स का हमारा दूसरा पार्ट है, ठीक है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जीरंड के बारे में बताया है तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। ये कह रहा है मोस्ट टीचर्स डोंट अलाउ ईटिंग इन क्लास, ठीक है। नो नॉट ग्रीटिंग एवरीवन इन द रूम पर्सनली इज रूड, ठीक है। माई सिस्टर स्पेंड्स आवर्स चैटिंग विद फ्रेंड्स ऑन हर मोबाइल, ठीक है। नो स्मोकिंग इनसाइड दिस बिल्डिंग, प्लीज़ टेक द सीट इन द वेटिंग रूम। तो ये चीज़ आप लोग देखिएगा जो वर्ड डार्क ब्लैक में लिखा हुआ है, ये सारा क्या है बाबू? जीरंड है। ये एज अ नाउन काम करता है, एज अ सब्जेक्ट भी काम करता है। कैसे करता है मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा आज आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, लेट्स लर्न का पॉइंट देखेंगे, जीरंड एज अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट्स। तो कह रहा है जीरंड जो है, ठीक है, तो पहले तो मैं बता दूं कि जीरंड जो होता है बाबू वो सब्जेक्ट का भी काम करता है और ऑब्जेक्ट का भी काम करता है, ठीक है। अ जीरंड इज द आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब व्हेन वी यूज इट एज अ नाउन। वी कैन यूज अ जीरंड एज अ सब्जेक्ट और अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ठीक है। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि जीरंड जो होता है उसमें आईएनजी फॉर्म लगा रहता है, ठीक है, और वो सब्जेक्ट का भी काम करता है और ऑब्जेक्ट का। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू थोड़ा क्लियर करूँगा यहाँ पे कि जब सब्जेक्ट के रूप में काम करता है ना, तो मैं आपको एक दो एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे आप समझ लो कि स्विमिंग इज़ अ गुड फॉर हेल्थ, तो स्विमिंग जो है आईएनजी लगा, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, और ये जीरंड है बाबू, ठीक है। जीरंड को नाउन भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आप कह सकते हैं फिशिंग इज़ अ गुड प्रोफेशन, मछली पकड़ना क्या है, एक बहुत अच्छा प्रोफेशन माना जाता है, बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। तो फिशिंग क्या है? यहाँ पे जीरंड का काम कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, देखिएगा सब्जेक्ट की जगह है। और जब ये ऑब्जेक्ट के रूप में जब भी काम करता है ना, तो मैं आपको बताऊँगा, जैसे होता है आई लव फिशिंग, ठीक है, मुझे अच्छा लगता है फिशिंग करना, ठीक है। इसके बाद लोग बोलते हैं ना स्टॉप शाउटिंग, क्या हल्ला नहीं करो, स्टॉप शाउटिंग, चिल्लाओ नहीं, चिल्लाना बंद करो, ठीक है ना। तो ये वहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये याद रखिएगा, ठीक है। जीरंड एज अ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, जीरंड एक कॉम्प्लीमेंट का भी बाबू काम करता है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि एक पूरक बोलते हैं इसको, यानी किसी भी सेंटेंस को पूरा बनाता है ये, ठीक है। कैसे काम करता है मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू दूंगा। वी यूज जीरंड्स टू डिफाइन वर्ड्स रेफरिंग टू प्रोसेस सिचुएशंस एंड एक्टिविटीज। कह रहा है कि हम जब जीरंड यूज़ करते हैं, ठीक है, जीरंड यानी आईएनजी लगा के जो यूज़ करते हैं, ठीक है, वो वर्ड्स को रेफर करता है, वर्ड्स फ्रेज हो सकता है, वो वर्ड्स हो सकता है, ठीक है। अब बता रहा है प्रोसेस, प्रोसेस यानी तरीका, ठीक है, उपाय, उसके बारे में वो बताता है, सिचुएशंस परिस्थिति के बारे में बताता है, और या तो फिर कोई एक्टिविटीज़ है, यानी किसी काम को हम लोग जब भी करते हैं उसको बताता है जीरंड, ठीक है।
यहाँ पे आप देखिएगा, एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, नो स्मोकिंग इनसाइड दिस बिल्डिंग। तो इसमें आपको क्या लग रहा है, क्या कह रहा है, यानी इस बिल्डिंग में ये स्मोकिंग, सिगरेट पीना अलाउ नहीं है, ठीक है। तो ये आपको क्या लग, सिचुएशन बता रहा है, आप लोग ये मुझे बताएंगे ज़रूर, ठीक है, कि ये एक्टिविटी है कि प्रोसेस है, ठीक है, ये मुझे आप लोग बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। फिर यहाँ पे एक चीज़ और भी देखिएगा, एक और एग्जांपल दिया, प्लीज़ टेक द सीट इन द वेटिंग रूम। यहाँ पे बताया जा रहा है किसी चीज़ के बारे में, ठीक है, ठीक है, कि आपको वेटिंग रूम में बैठना है। तो जीरण जो होता है कॉम्प्लीमेंट ऐसे ही काम करता है, पूरक बनाता है सेंटेंस को, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, मेनी कंपाउंड नाउन्स आर फॉर्मल विद द जीरण प्लस ए नाउन, ठीक है। वी ऑफन यूज अ वर्ब आफ्टर अ प्रपोजिशन, वी ऑलवेज यूज अ जीरण। अब देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए ना मैं आपको सिंपल सा एक फंडा देता हूँ, कि आप लोग कभी भी नोटिस करेंगे कि किसी भी वर्ब के बाद, ठीक है, अगर प्रपोजिशन आता है तो उसके बाद आने वाला वर्ब आईएनजी लगा रहता है, टू को छोड़ के, हाँ टू को छोड़ के, बस टू, अगर टू लगा है तो वो इन्फिनेटिव हो जाएगा, ये ध्यान रखिए। टू के अलावा जितने भी प्रपोजिशन हैं, जितने भी प्रपोजिशन, अगर उसके बाद कोई भी वर्ब आता है वो आईएनजी हो जाता है, ठीक है, और उसको जीरेंड बोला जाता है बाबू, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, आई लव फिशिंग बताया था, तो ये क्या है, अच्छा है, मैं आपको कहें आई एम अफ्रेड ऑफ डूइंग दिस, आई एम अफ्रेड ऑफ डूइंग दिस, याद रखिएगा, अफ्रेड ऑफ, ठीक है, ऑफ के बाद क्या है, डूइंग आया है, तो ये जीरेंड का काम कर रहा है, ठीक है। और भी मैं एग्जांपल आपको दे सकता हूँ, जैसे आप ये कह सकते हैं कि आई एम फॉन्डिंग ऑफ एक्टिंग, कह सकता हूँ मैं आई एम फॉन्ड ऑफ एक्टिंग, ठीक है, मुझे एक्टिंग का शौक है, ठीक है, तो फॉन्ड ऑफ, ऑफ के बाद आपका एक्टिंग लगा, आईएनजी लगा हुआ है, तो ये जीरंड का काम करता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे, मतलब कभी भी याद रखिएगा, अगर ऑफ के बाद वर्ब आता है तो वो इन्फिनेटिव में नहीं होगा, वो आईएनजी के फॉर्म में होता है, बशर्ते एक ही कंडीशन है, टू नहीं होना चाहिए, टू लगा रहेगा तो आईएनजी नहीं लगेगा बाबू, फिर वो इन्फिनेटिव हो जाएगा, सिर्फ टू नहीं होना चाहिए, नहीं तो जितने भी प्रपोजिशन है उसके बाद आने वाला वर्ब जो होता है वो आईएनजी में कन्वर्ट होता है और उसको जीरंड बोला जाता है, ठीक है। तो आज हमारा ये चैप्टर रहा, ठीक है, और इसके बारे में पढ़िए, और जो भी डाउट्स आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।